थी एफ जे एजाज फारूकी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर आसिम, जिस हिसाब से मेरा उन्होंने तारुफ कराया, और आप लोग इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि आपके इस्तकबाल के लिए कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी साहब मौजूद हैं, पूरी टीम्स मौजूद है, चेयरमैन मौजूद हैं, और इससे बड़ी शख्सियात और क्या हो सकती हैं, तमाम लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। आज के इस फंक्शन में आपने एक अहम बड़ी अहम शख्सियत को भी मौजूद किया है। उनका तारुफ यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स अपनी मेहनत से अपने अदारे की जानिब से कोई सबसे बड़ी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कहे पर कराए तो जिंदगी भर के लिए उसको याद रखा जाता है कि फला साल में एक दुनिया की सबसे बड़ी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई थी। मगर मोहम्मद अहमद शाह साहब जो कि आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी 14 आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसेस कराई है। 14 आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसेस कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी इस खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा है, और उसके बाद ये देखिए इससे वीडियो बन रही है बड़े पैमाने पे कराची इसी हवाई जहाज के थे कि अब 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में है, तो ये कराची के लिए बहुत बड़ा एजाज है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मोहम्मद अहमद शाह साहब के खिदमात के एतराफ में उनको खसूसी दरख्वास्त की गई है कि अगली 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़द की जाए और ये मार्च में इसका आगाज होगा। बहुत तेज चल रहे हैं डॉक्टर फैसल साहब जो कि वाइस चांसलर रह चुके हैं, वो भी आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग 70 साल 75 साल और कुछ लोग तो तकरीबन 80 साल की उम्रों में हैं और दमकते चेहरों से आए हुए हैं आपके इस्तकबाल के लिए। मैं चाहता हूं कि आप तमाम हजरात के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। चलें जी, तालियां बज रही हैं।